चार का पहाड़ा मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ फोर आज हम सीखेंगे चार का पहाड़ा। नेहा कुछ दिनों के बाद मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है पापा ने मुझे ये पता लगाने के लिए कहा है कि सभी मेहमानों को बैठने के लिए कितनी मेज और कुर्सी चाहिए कुर्सी कितनी चाहिए ये तो मैंने पता लगा लिया है लेकिन मेज कितनी चाहिए ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ क्यों? जैसे कुर्सी के लिए पता लगा लिया वैसे ही मेज़ के लिए भी पता लगा लो अरे कुर्सी कितनी चाहिए ये पता लगाना तो आसान था कुल बत्तीस मेहमान आ रहे हैं तो कुर्सी भी बत्तीस चाहिए एक मेज़ तो कई लोग इस्तेमाल करेंगे इसलिए दिक्कत हो रही है अच्छा चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ ये बताओ कुल कितने मेहमान आएंगे बत्तीस और एक मेज को कितने मेहमान इस्तेमाल कर सकते हैं चार एक मेज चार मेहमानों के लिए हो गई। दो मेज कितने मेहमान इस्तेमाल करेंगे ये पता करने के लिए चार को दो बार जोड़ देंगे तीन मेज के लिए चार को तीन बार जोड़ देंगे मतलब चार का पहाड़ा पड़ना चाहिए पहाड़ा मतलब किसी नंबर की एक से लेकर दस तक गुना करने पर जो सूची मिलती है उसे उस नंबर का पहाड़ा कहा जाता है जैसे चार का पहाड़ा होगा चार का गुणा एक नंबर से लेकर दस नंबर तक करने पर जो क्रम आएगा अगर चार का पहाड़ा मुझे याद होता तो मैं बहुत जल्दी बता पाती कि तुमको कितनी मेज़ की जरूरत है अच्छा मतलब पहाड़ा याद हो तो पेपर पेन की जरूरत नहीं है हाँ फिर पेपर पेन की जरूरत नहीं होगी तो अब क्या करेंगे चार का पहाड़ा लिखेंगे लेकिन कैसे लिखेंगे बहुत आसान है या तो चार को बार बार जोड़ते जाओ या फिर चार चार अंक छोड़कर गिनते जाओ मैं समझा नहीं देखो चार के पहाड़े का पहला नंबर पता करने के लिए चार का गुणा एक से करेंगे उसके लिए चार को एक बार जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा चार वो तो किसी भी नंबर को एक बार जोड़ेंगे तो उत्तर वह नंबर ही आएगा हाँ इसलिए दो एकम दो और तीन एकम तीन होते हैं एकम मतलब पहाड़े आसानी से याद करने के लिए गाकर याद करते हैं इसलिए दो गुणा एक बराबर दो को दो एकम दो और तीन गुणा एक बराबर तीन को तीन एकम तीन बोल देते हैं ओ, मतलब चार गुणा एक बराबर चार को चार एकम चार पढ़ेंगे अब हमको चार के पहाड़े का पहला नंबर पता चल गया है अब अगला नंबर पता लगाने के दो तरीके हैं चार को दो बार जोड़कर या फिर चार के बाद का चौथा नंबर पता करके चार को दो बार जोड़ने में उत्तर आएगा आठ अब चार के बाद का चौथा नंबर पता कर लेते हैं ये हुआ पहला दूसरा तीसरा और चौथा नंबर हुआ आठ दोनों तरह से उत्तर एक ही आ रहा है जो आठ है इसका मतलब हुआ चार दूनी आठ होंगे हाँ अब दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके हम चार का पूरा पहाड़ा लिख सकते हैं ठीक है मैं पता करता हूँ चार गुणा तीन का उत्तर पता करने के लिए या तो चार को तीन बार जोड़ देते हैं या फिर आठ के बाद का चौथा नंबर पता कर लेते हैं आठ के बाद का चौथा नंबर है बारह और चार को भी अगर तीन बार जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा बारह इसका मतलब चार या बारह होगा अब अगला नंबर पता करने के लिए चार को चार बार जोड़ेंगे रुको नेहा मुझे लगता है कि हमें चार को चार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है फिर कैसे पता लगाएंगे कि चार गुणा चार कितना होता है देखो हमने चार गुणा तीन पता करने के लिए चार को तीन बार जोड़ा था जिसका उत्तर आया था बारह तो अब बारह में चार जोड़कर हम पता लगा सकते हैं कि चार को चार बार जोड़कर कितना उत्तर आएगा अच्छा यानी चार को चार बार जोड़ने की जगह हम बारह में चार जोड़ दें और इससे उत्तर आएगा सोलह यानी चार चौके सोलह इसका मतलब हम चार के पहाड़े के अगले नंबर को सोलह में चार जोड़कर पता कर सकते हैं जो होगा बीस इसी तरह अगला नंबर बीस में चार जोड़कर पता चल जाएगा यानी चौबीस इस तरह चार जोड़ते जाते हैं और अगले नंबर को पता करते जाते हैं अब हमको चार का पूरा पहाड़ा पता चल गया है लेकिन मेरी समस्या तो वही की वही है बत्तीस मेहमानों के लिए कितनी मेज चाहिए अरे पता चल तो गया देखो चार के पहाड़े में बत्तीस चार को आठ से गुणा करने पर आ रहा है इसका मतलब तुमको आठ मेज की जरूरत है अरे हाँ इस पहाड़े से हमें पता चल रहा है कि आठ मेज बत्तीस मेहमान इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलो चार के पहाड़े को भी गाकर याद कर लेते हैं चार एक कम चार चार दूनी आठ चार तिया बारह चार चौके सोलह चार पंजे बीस चार छिये चौबीस चार सत्ते अट्ठाईस चार अठे बत्तीस चार नम छत्तीस चार दहाई चालीस ये मज़ेदार है ऐसे तो हम चार का पहाड़ा आसानी से याद कर सकते हैं आज आपने सीखा कि किसी नंबर की एक से लेकर दस तक गुणा करने पर जो सूची बनती है उसे उस नंबर का पहाड़ा कहा जाता है और जिस नंबर का पूरा पहाड़ा पता करना हो उस नंबर को लिख लीजिए और उसमें उसी नंबर को जोड़ते जाइए जैसे चार का पहाड़ा पता करने के लिए सबसे पहले चार लिख लीजिए और फिर चार में चार जोड़ दीजिए जो उत्तर आए उसमें फिर से चार जोड़ दीजिए और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपको पूरा पहाड़ा ना मिल जाए